दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्ता का संग्राम में। दर्शकों आज देश में किसी का मकान हो चाहे की दुकान हो हर जगह बस एक ही चर्चा है और वो है कांग्रेस की चर्चा। कांग्रेस में दर्शकों कैप्टन की गुगली के आगे जो पूरी पार्टी है वो कहीं ना कहीं हिट विकेट होती नजर आ रही है। दूसरी चर्चा दिल्ली से जहां पर दर्शकों आज टुकड़े टुकड़े गैंग लॉबी के सदस्य अब कांग्रेस के साथ ऑफिशियल रूप से जुड़ गए। दर्शकों पूरे देश में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी आज किन हालातों में है, क्या डगर आ गई है कि कन्हैया कुमार जैसे शख्स को जो कि एक चुनाव लड़े और वो भी हार गए वो बैठकर मंच से कह रहे हैं बार बार पार्टी ज्वाइन करते वक्त कि कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है। ये पहली दफा मैंने देखा है अपने करियर में कि कोई नेता किसी पार्टी में शामिल हो रहा हो और शामिल होते वक्त कहता हो कि पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है, और इसी के बीच एक शब्द और कह देते हैं कि देश को भी बचाना। ये क्लियर नहीं करते कि पार्टी को बचाना है कि देश को बचाना है या फिर खुद के डूबते हुए करियर को बचाना है। दर्शकों इसी पर आज बहस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थिति आखिर है क्या, कांग्रेस की जो नैया है वो बार बार डगमगा क्यों रही है। कुछ दिनों पहले ही वहां पर पंजाब में एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और कहा कि पार्टी की तरफ से बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, उनसे बगैर पूछे विधायकों की मीटिंग कराई जा रही थी, उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था जबकि वो खुद सीएलपी के लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कहीं नहीं पूछा जा रहा था और इस सब अपमान को छोड़कर कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया। दर्शकों एक तरफ कैप्टन साहब थे जो आर्मी में थे, आर्मी के कैप्टन थे, उनको पार्टी ने अपमानित किया, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और दूसरी तरफ पार्टी ने आज ऑफिशियल रूप से कन्हैया कुमार जो कि कथित रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हुए उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए, नारे लगाए थे, और दर्शकों इसी के साथ उन पर और भी आरोप है कि उन्होंने अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं इसके पोस्टर्स छपवाए और बांटे। तो दर्शकों आज इसी पर बहस करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन्स पर मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा, वो विजुअल कि किस तरीके से आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पार्टी में शामिल हुए, उनको फूल दिए गए, उनको बुके दिया गया, उनके स्वागत सत्कार हुआ। हालांकि जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि वो वैचारिक रूप से पार्टी का साथ दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने सीधे कहा कि अब लेफ्ट में रहकर देश को बचाया नहीं जा सकता, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, अब वो कांग्रेस में आकर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये सब जब वो बोल रहे थे तो उसके साथ ही बार बार ये भी बोल रहे थे कि कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है। तो ये सब कुछ आज क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ, इस पर बहस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कैप्टन की जो उड़ान है उससे कांग्रेस परेशान हो चुकी है। अभी चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, लेकिन उसके तुरंत बाद से, दर्शकों पंजाब की स्थिति बता रहा हूं, तुरंत बाद से चर्चा गर्म थी कि सिद्धू और चन्नी के बीच ठन गई है, रार बढ़ गई है, क्योंकि सिद्धू के सपने बड़े थे लेकिन उन सपनों को उड़ान तो दी गई, कैप्टन को ह्यूमिलिएट तो किया गया, लेकिन सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो चन्नी के साथ उनकी तलखी की भी खबरें आ रही थी। तो ऐसे में आज सिद्धू ने भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस में आखिर कौन बचने वाला है और अब क्या कांग्रेस में यही सब लोग जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस का स्तर क्या हो गया है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जोड़ना पड़ गया, कन्हैया कुमार जिनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यही है कि उन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए, उन्होंने अफजल गुरु को लेकर रोष जताया, उन्होंने देश के कानून पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, ऐसे शख्स को आज कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि अब देश में क्या रह चुकी है। ये एक तरफ कैप्टन छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्धू भी छोड़ दिए हैं। चन्नी को बताया जा रहा है कि चन्नी को डांट डपट दिया था सिद्धू ने। उसके साथ ही दिल्ली में देखते हैं कि कन्हैया कुमार को शामिल कराया जा रहा है, जिग्नेश मेवानी को शामिल कराया जा रहा है। तो इसी पर बहस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, जिनसे आपका तारुफ करा देता हूं। नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। संजय गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रभात त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। सबसे पहले हम जाएंगे प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उनके साथ शायद टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रहा है। संजय गुप्ता साहब के पास जाएंगे। तो संजय गुप्ता साहब, एक तरफ कैप्टन साहब बाहर, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार अंदर, ये सब चल क्या रहा है पार्टी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि दो चीजों को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। कैप्टन साकर साहब की जो बात आप कर रहे हैं, चलिए सवाल के साथ मुझे लगता है आवाज मुझे नजारत है। तो नेहा शालिनी दुआ जी के पास आता हूं। नेहा जी, पंजाब में एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी चले, दूसरी तरफ आज उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आप तो बड़े मजे के साथ दूर बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, आपका तो फायदा हो रहा है? नहीं देखिए, हमें दूसरों की आग से अपनी रोटियां सेकने की आदत नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी इनके यहाँ कला कलेश चल रहा है कांग्रेस की, वो अपना ही उनकी गलतियां हैं। आज तक इन्होंने यूथ को चांस नहीं दिया, आज तक इन्होंने कभी हमारी जो नौजवान, हमारे जो जवान है, मतलब हमारी आर्मी या मिलिट्री या एयरफोर्स, इन सब पे वही सिद्धू था जिसने ये कहा था कितने पेड़ गिरा के आए हो, जब हम एयर स्ट्राइक हमने करी तो यही सिद्धू था जिसने बोला था कितने पेड़ गिरा के आए हैं, मतलब हमारे जवानों पे सीधा साधा क्वेश्चन किया था, हमसे नहीं किया था, उनसे सवाल किया था, हमारे जो आर्मी के लोग हैं या एयरफोर्स के लोग हैं उनसे पूछा था कि वहां पर पाकिस्तान जाके कितने पेड़ गिरा के आए हो। यही वो सिद्धू था जिससे सवाल किए थे कि यही कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे, जिन्होंने दीक्षित साहब ने ये क्वेश्चन करा था कि ये जो गली का गुंडा है, जो विपिन रावत जी हैं वो तब आर्मी चीफ थे, उनको कहा था गली का गुंडा। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ नहीं आती कि कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों का साथ क्यों देता है या ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़ी हुई दिखती है जो देशद्रोही, जिन्हें हम देशद्रोही कहते हैं, या वो देश के विरुद्ध बातें करते हैं या वो हमारे जवानों के विरुद्ध बातें करते हैं। क्या आर्मी हमारी है? क्या एयरफोर्स सिर्फ भाजपा की है? क्या मिलिट्री जो है वो सिर्फ भाजपा की है? क्या वायु सेना, जल सेना, ये सारी हमारी है? क्या इस देश के नागरिकों की कांग्रेस की नहीं है या इस देश के नागरिकों की नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो ताकतें आज कन्हैया कुमार को लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमेशा देशद्रोही ताकतों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई मिलती है, ये वही कन्हैया कुमार है जिसने आज से बहुत साल पहले ये कहा था भारत तेरे टुकड़े हो। भारत तेरे टुकड़े हो कौन कह सकता है? हिंदुस्तान के टुकड़े कौन चाहता है? पाकिस्तान चाहता है? और कौन चाहता है? हिंदुस्तान में रह के कौन सा हिंदुस्तानी कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े हो और उसके साथ खड़ा हुआ बंदा देशद्रोही ना कहलाए? आप मुझे बताइए। और उसको वही पार्टी, आज भाजपा अगर उसको टिकट देती तो आप हमारी पार्टी को क्या कहते? कोई भी मीडिया या हम लोग क्या कहते पार्टी को? जोन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ऐसे देशद्रोही, ऐसे जैसे कहते हैं ना सांपों को पाल रही है, जो देश के विरुद्ध है, देश की ताकतों के विरुद्ध, हमारी सेना के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि इनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा कि ये कहां कहां गलत है। यही रीजन है कि इनके बड़े बड़े लीडर्स इनकी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे मैं नाम गिना सकती हूं, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद जी हो, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आज इनकी पार्टी को, क्योंकि वो इनकी विचारधारा से मैच खा ही नहीं रहे, उनको समझ नहीं आ रहा ये वही कांग्रेस है जिसे 1947 में। जी बिल्कुल नेहा जी, इसी के साथ एक और सवाल है जो मेरे जहन में आया है, आपसे पर्सनल पे पूछ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिद्धू को आप ही ने कुछ कहा हो, आप ही के नड्डा जी ने सिद्धू से कहा हो कि जाओ सिद्धू वहां पर जाओ, हलचल करो, कैप्टन को तोड़ दो उनकी पार्टी से, जो सबसे मजबूत स्तंभ है उनका पंजाब कांग्रेस में, उसको ही अलग करवा दो और फिर घूम फिर के वापस आ जाना, फिर कहना कि ठोको तो। और यही जी, और यही रीजन है कि हम सिद्धू के खिलाफ हैं और हम कैप्टन साहब की इज्जत करते हैं। आज तक भाजपा के किसी भी प्रवक्ता ने, भाजपा के किसी भी नेता ने कैप्टन साहब के विरुद्ध कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो अमर्यादित शब्द जिसे कहते हैं यूज नहीं किए। और मैं सिद्धू जी के खिलाफ इसलिए बोल रही हूं, उसके पीछे रीजन है। वो जाते हैं पाकिस्तान, वहां के जनरल को, बाजवा को गले लगाते हैं और कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान। उन्होंने बोला एक बार भी जीवे जीवे हिंदुस्तान?
तो ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को अगर वो गले लगाते तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है, और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, बाकी इनकी अपनी पार्टी है, ये सोचे ये क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। ठीक है नेहा जी, संजय गुप्ता जी आपके पास आते हैं। संजय गुप्ता जी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि किन लोगों को पार्टी में रखना है और किन लोगों को नहीं रखना है। ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों रखना जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, या फिर पाकिस्तान के जाते हैं, पाकिस्तान में फिर कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान, तो ऐसे लोगों को क्यों रखना पार्टी में? जी मैं चाहूंगा कि जैसे आपने नेहा जी को सुना, मुझे भी सुने। नहीं बिल्कुल आपको सुनने, आज हमें देश के अंदर बहुत बड़ा इस चीज का प्रश्न चाहिए कि गौड़से के लोग से आज हमें राष्ट्रभक्ति सीखनी है महात्मा गांधी के लोगों को। जब ये अमेरिका जाते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, और इनकी जो इनकी सोच है, इनकी जो मूल इनके जो संस्थाएं हैं, क्या सिखाया जाता है? आज भी महात्मा गांधी की फोटो के ऊपर गोली चला करके और वो अपना नारा बुलंद करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। और नेहा जी कह रही थी राष्ट्रभक्ति की बात, तो नेहा जी मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपकी एकमात्र इस देश में ऐसी सांसद हैं जो जो आतंकवादी हैं, जिनके जिनको बम बनाना आता है, साध्वी प्रज्ञा, और आप ही की पार्टी से चुन करके आज की संसद के अंदर ही वो आज विराजमान है। आप उन्हें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रही हैं। आपको मालूम नहीं है एसटीएफ के हमारे देश के जवान को उन्होंने किस तरीके से बम लगा के उड़ा दिया? एकमात्र ऐसी सांसद है जिन्हें बम बनाना आता है। और आप बात कर रही थी अभी राष्ट्रभक्ति की, जिन्ना की मजार पे कौन गया था? पंजाब की बात कर रहा हूं, दिल्ली पर बात कर रहा हूं। मैं आपसे क्या, अभी अभी ये बात पाकिस्तान पे कर रही थी, ये अभी पाकिस्तान पे बात कर रही थी ना, अभी आगे मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अभी सुनिए पहले मेरी बात को, आप मैं आपको सुन लूंगा, सुनिए जरा, आप पहले मुझे सुनिए आप पूरी बात को, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिन्ना की मजार पे कौन गया था? आपको आप माफी मांगिए, आज आप देश से माफी मांगिए के लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पे जाकर के सर झुकाया था, आज माफी मांगिए, आज मांगी माफी मांगे वो प्रधानमंत्री जो बिना तय किए जाकर के वहां बिरयानी खाता है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, परवेज मुशर्रफ जो थे जिन्होंने देश के अंदर कारगिल युद्ध कराया था, आपने रेड कार्पेट वहां पर उनके लिए बिछाया था। आप सिद्धू पे प्रश्न उठाना चाहते हैं? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, खत्म नहीं हुआ, रुके नेहा जी, बोले बोले बोले, आप एंकर रही है ना, बोले सुनिए आप एक मिनट जरा, बोलिए संजय जी बोलिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए, आप हमें सिखाने चली हैं, और आपकी देशभक्ति को, आपके जो किए हुए वादे हैं और आपके जो सारी चीजें हैं, पूरा देश आपको जानता है। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए तो कांग्रेस ने किए, आपने नहीं किए, आपने केवल भाषण दिए हैं। आपने आज तक कहा था कि गिलगितस्तान को, ठीक है, आपने कहा था कि ये सारा हिस्सा जो है आप हमें देंगे, ठीक है, संजय जी, संजय 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 जी, संजय जी आप रुकिए, संजय जी रुकिए, नेहा जी आप पर आ रहा हूँ, संजय जी नेहा जी नेहा जी आप पर आ रहा हूँ, संजय जी संजय जी आवाज धीरे करिए प्लीज, नहीं क्यों करिए संजय जी आवाज, क्योंकि आपकी बात सुन ली ना, अब जवाब तो लीजिए, संजय जी सुन ली है ना, संजय जी सवाल भी सुन लिया ना, अभी जोर सुनिए, संजय जी सवाल सुन, संजय जी नेहा एक मिनट के, संजय जी किसने कहा धीरे धीरे, संजय जी अगर आप मन बनाकर आए हैं कि बोलते ही रहेंगे, संजय जी सुनिए, संजय जी रुकिए सुनिए, नेहा जी आपकी रुकिए एक मिनट, नहीं जीवन जीवन पाकिस्तान किसने कहा, संजय जी ठीक है, संजय जी संजय जी संजय जी संजय जी अगर मन बना कर आए कि बोलते ही रहेंगे तो सुनेंगे नहीं, तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। संजय जी एक मिनट, आपके लोग संजय जी नेहा जी एक मिनट, कौन है नाम बताइए, संजय जी आप राजनीति में बात कर रहे हैं, संजय जी नाम बताइए, जीवे जीवे पाकिस्तान, अगर चिल्लाएंगे तो सुनिए, संजय जी अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपकी ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, रुक जाइए, संजय जी रुकिए, आप झूठ बोलते हैं, अय्यर कहते हैं पाकिस्तान जी, हाफिज सईद जी कहते हैं, जीरो जीरो पाकिस्तान में पूछा, देश जाना चाहता है किसने कहा, जी लगाते हैं, अरे जी आपने हटिया, आप लाल कृष्ण अडवाणी को कंडेम कीजिए, पहले लाल कृष्ण अडवाणी जिंदा के बाजार में गए थे, आप कहिए माफी मांगिए, संजय जी आप रुकेंगे या नहीं, नेहा जी नेहा जी नेहा जी नेहा जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, नेहा जी नेहा जी नेहा जी नेहा जी नेहा जी नेहा जी पाकिस्तान वो भी हम वापस नेहा जी नेहा जी रुकिए,
अरे नेहा जी, संजय जी, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, नेहा जी, संजय जी, आप दोनों रुकिए, नेहा जी, नेहा जी ऐसे नहीं चलता, ऐसे नेहा जी, ऐसे मत करिए नेहा जी, आप झूठ बोलने की मशीन है। नहीं संजय जी, संजय जी, संजय जी ऐसे मत करिए, संजय जी ऐसे मत करिए, नेहा जी, नेहा जी आप रुकिए, संजय जी आप मेरा सवाल लीजिए, संजय जी आप दोनों के लड़ने के लिए यह मंच नहीं है, ऑडियो आप दोनों का डाउन हो चुका है, आप दोनों की आवाज नहीं मिल रही है, इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी, इस तरीके से बहस ना होती है, आप दोनों लोग बोलते रहेंगे तो किसकी आवाज मिलेगी, दोनों लोग की ऑडियो डाउन करिए, दोनों की ऑडियो डाउन करिए, अब ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, मत बोलिए, ऑडियो नहीं आ रहा है मत बोलिए, इस तरीके से कैसे डिबेट होगी। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि एक एक करके बात होगी, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, किसी की आवाज नहीं आएगी। संजय जी की ऑडियो जरा खोलिए, संजय जी, संजय जी एक मिनट रुकिए, अब सुनिए, नेहा जी आप भी सुनिए, नेहा जी आप भी सुनिए, संजय जी आपने जो बात कहनी थी कह दी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि इससे देश में गलत संदेश जाएगा कि आप कन्हैया कुमार को पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने टुकड़े होंगे भारत तेरे इस तरीके के नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरीके की वो बातें कहते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना आपकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हानि हो सकती है आपकी पार्टी को? जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये इन सब बातों को मैं एक सिरे से खारिज करना चाहता हूं। नेहा जी आपको समय मिलेगा, नेहा जी आप बोलिएगा, नेहा जी आपको समय मिलेगा आप बोलिएगा, आप क्यों कर रहे हैं? नेहा जी धैर्य रखिए, आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो ये नॉनस्टॉप बोलते रहे, तो ऐसे थोड़ा ना कि इनके बारे में चुप करके फिर बैठ। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, नेहा जी ठीक है, आप धैर्य रखिए, अब रुक जाइए, कुछ समय के लिए रुक जाइए, संजय जी को बात एक अपनी कंप्लीट करने दिए, फिर मैं आप पर ही आ रहा हूँ, आप खूब बोलिएगा। संजय जी आपको नहीं लगता कि गलत है? मैं वैसे भी 7:30 तक ही हूँ और संजय जी जो है ये नॉनस्टॉप बोलते रहे, जितना भी जो उसके पास साढ़े क्या करूँ 7:30 तक आपको बोलने दो, बना कर रहा है तो क्या करूँ 7:30 तक आपको बोलने दो, रुक जाइए उनका वर्जन मुझे ना बोलने दीजिए, लेकिन जब आपने क्वेश्चन उनसे किया तो जवाब मेरा तो सुन ले, ये मेरा जवाब तो सुन नहीं रहे, नॉनस्टॉप बार बार गोडसे की बातें करी जा रहे हैं। गोडसे क्या पाकिस्तानियों से मिला हुआ था? गोडसे ने क्या पाकिस्तान में जाके गले मिला मिलके कहा कि जीवे जीवे पाकिस्तान? महात्मा गांधी को मारा था, आप दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए बैठे, आप दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए बैठे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? नेहा जी रुकिए, नेहा जी रुक जाइए, हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, आप सत्ता में ठीक है लेकिन रुकिए, इतना भी ठीक नहीं है, संजय जी को बोलने दीजिए, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, कृपया कर आपसे कृपया करके कह रहा हूँ। संजय जी आप बात बताइए कि संदेश जो है वो गलत जाएगा हाँ या ना? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार जैसे नौजवानों को इस देश पे, देश को इन पर गर्व है, गर्व किस बात का? इन्होंने आज गर्व किस बात का? गर्व किस बात का? बता, अब आप मुझे बोलने दे तभी तो बताऊं, पहले तो नेहा जी बोल रही थी, अब आप पूछ रहे हैं, फिर एक लाइन तो पूरी कर लूं अपनी। जी बताइए, मैं आपको बताना हूँ कि क्यों गर्व है। देखिए एक युवा जो इस देश के अंदर युवा है तो गर्व, जो इस देश के भविष्य के लिए चर्चा करता है और भविष्य के बारे में चिंतित है, और जो इस देश के आपको जो कैसे पता चिंतित है, आपको कैसे पता चिंतित है? ऐसा देश देख रहा है, करोड़ों युवा जो चिंतित है, सारा देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश कुछ नहीं देख रहा है, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए देश देख रहा है,
देश कुछ नहीं देख रहा है, देश तो आपकी झड़प देख रहा है, देश तो ये देख रहा है कि कैप्टन साहब इस्तीफा देकर बैठे हैं, देश तो मजाक कर रहा है। आप ड्रामा का लिमिट रखिए, ठीक है, देश कुछ नहीं देख रहा है। आप सुनिए ना, आप तय नहीं करेंगे सर, जी बोलिए, सुन लीजिए, जी बोलिए, ये डिबेट तय नहीं करेगी, ये इस देश के अंदर एक डिबेट तय नहीं करेगी कि किसी आदमी का आप करेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं, डिबेट तय नहीं करेगी, ये देश का मानस तय करेगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम स्वागत करना चाहते हैं ऐसे युवाओं का जो इस देश के अंदर अपनी बात को दमदार तरीके से लोगों के सामने रख करके और इस देश की संस्कृति, इतिहास और देश के विषय पर जिनको जानकारी भी है और आज खुले मन से बिना किसी दबाव के चर्चा करना चाहते हैं। धर्म को बांटने वाली, धर्म के नाम पर बैठने वाली, अरे धर्म को बांटने वाली पार्टी, अगर उसको आप हराना चाहते हैं तो क्या देश के बांटने वाले को आप ले आएंगे? धर्म के नाम पर चुके ना, आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्म को बांटने वाली पार्टी है, इसलिए आप देश को बांटने वाले लोगों को अपनी पार्टी बनाएंगे? अरे सर पूरा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे शालिनी जी आप आएंगी, आप संजय जी बोल चुके हैं, नेहा जी को बुलवा दीजिए, मैं बाद में बोल दूंगा, कोई बात नहीं। संजय जी बोल तो चुके हैं, जवाब मैं कह रहा हूँ, नेहा जी रुकिए, नेहा जी रुकिए, धैर्य रखिए, नेहा जी सुनने की क्षमता रखिए, आप थोड़ी सी सुनने की क्षमता रखिए, जवाब तो ले लीजिए, इतना अति उत्साहित होना ठीक नहीं है, थोड़ी सी क्षमता रखिए, आप सुन लीजिए, उनको बोलने भी दीजिए। संजय, अरे कन्हैया जी की बात कर रहे हैं ये कि वो बहुत अच्छे युवा नेता है, तो मैं उनके ऊपर थोड़ी सी कुछ बात बोलना चाहती हूँ, बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, बोलिए। ये कहते हैं कि युवाओं को दे रहे हैं, आपके यहाँ से युवाओं को आपने हमारे इधर भेज दिया, ज्योतिराज सिंधिया के बूढ़े थे, और चलिए वो भी, चलिए आप उसको भी छोड़िए, जितिन प्रसाद को भी छोड़िए, आप कह रहे हैं युवाओं को साथ दे रहे हैं, आपने सिर्फ उनको चांस इसलिए कन्हैया कुमार को दिया क्योंकि वो भाजपा के विरुद्ध है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो भारत तेरे टुकड़े हो उस गैंग के साथ वाले लोग हैं, और ये कहते हैं अफजल गुरु के लिए शर्मिंदा, जो कि एक आतंकवादी था जिसने संसद पे अटैक करवाया उसके लिए वो शर्मिंदा था, ऐसे इंसान को आप अपनी पार्टी में रखते तो आपको क्या सोचना नहीं पड़ेगा? आप नथुराम गोडसे की बात करते हैं, नथुराम गोडसे जो है वो पाकिस्तान का हिमायती नहीं था, वो पाकिस्तान, उसने अगर महात्मा गांधी को गोली मारी उसको जस्टिफाई नहीं करी, जस्टिफाई नहीं करी, लेकिन उनका, उन्होंने अगर महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो उसका रीजन क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों को जाने का तो विरोध नहीं, 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 ये वो मंच नहीं है जहां से आप नथुराम गोडसे को जस्टिफाई करें, रुकिए, आप कहीं रुक जाओ, नहीं रुकिए, रुकिए, आप नहीं, नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं होगी, नहीं बिल्कुल, नेहा जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, आप जस्टिफाई नहीं करेंगे इस मंच से, ये मंच जस्टिफिकेशन के लिए नहीं है कि नाथुराम गोडसे ने किसने गोली मारी, हम बिल्कुल भी इस चीज का समर्थन नहीं करते, ठीक है? अब ये अपने बंदे को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कहता है भारत तेरे टुकड़े हो, जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले को ये जस्टिफाई कर सकते हैं, और वो तो ऐसा था ही नहीं जिससे पाकिस्तान को कहा हो कि नहीं जी मैं जीवे जीवे पाकिस्तान, ये नथुराम गोडसे ने जीवे जीवे पाकिस्तान कभी नहीं कहा था, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कन्हैया कुमार को, ये सिर्फ मुझे इतना बता दे जिसने ये कहा है कि भारत तेरे टुकड़े हो, ये इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे, सिर्फ इतना बता दे संजय जी। चलिए मैं तो बाकी सारी बातें आप नथुराम गोडसे को गाली दे चाहे कुछ भी करें, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नथुराम गोडसे ने कभी कहा जीवे जीवे पाकिस्तान या भारत तेरे टुकड़े हो, ये नथुराम गोडसे ने कभी कहा क्या? ठीक है बताइए, चलिए संजय जी। मैं नेहा जी देखिए आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपके साथ में 20 से 30 डिबेट कर चुका हूँ, मगर जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रही है, जो शब्दों को आप प्रयोग कर रही हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, आप सुन लीजिए ना 2 मिनट, मैं इस डिबेट के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकता जिसके अंदर नथुराम गोडसे को जस्टिफाई किया जाए, नहीं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, ये इनके व्यक्तिगत शब्द है, इनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, नहीं नहीं मैं एक बात क्लियर कर दूं संजय जी, ये मंच बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता है जो कुछ इन्होंने कहा है, बिल्कुल आपको मालूम नहीं है, आप कह रहे हैं नथुराम गोडसे देशद्रोही नहीं है, तो राष्ट्रपति आप राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट दीजिए उसको, आप दोनों का हो गया, ठीक है रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों रुकिए, संजय जी और नेहा जी आप दोनों ही रुकिए, आप दोनों ही रुकिए, आप दोनों ही रुकिए, आप दोनों ही रुकिए, आप दोनों बोलना शुरू करते हैं, रुकते नहीं, ठीक है? अब हमारे साथ एक और मेहमान है, उन पर भी आते हैं, रुकिए संजय जी रुकिए, संजय जी ऐसा नहीं होगा, आप रुकिए, आप रुकिए, आप भी अपनी बात चला की चर्चा को आपको रोकना चाहिए सर, नहीं बिल्कुल, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप दोनों लोग लड़ेंगे तो रुकिए, संजय संजय जी रुकेंगे, आप लोगों को पार्टी में ले रहे हो, नेहा जी आप सवाल करती है तो आंसर भी तो सुनिए, जवाब भी तो सुनिए, नेहा जी आप रुकिए रुकिए, आप बोलते ही जा रहे हैं, आप रुकिए,
संजय जी को बोल तो लेने चाहिए, उनको क्या बोलना है उनका वर्जन तो सुनिए, खुद से मन बना के अगर आप बैठे हैं कि वर्जन दे ही नहीं रहे ना, बोलने दीजिए, बोलिए संजय जी। अब नेहा जी वो वर्जन नहीं दे रहे ना, वो सिर्फ कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे को जस्टिफाई ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है एक काम करिए संजय जी, आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि कन्हैया कुमार को आपने पार्टी में लिया, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, करिए। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम किसी एक चश्मे से केवल देश के अंदर या किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, किसी के करेक्टर को हम बना हटा नहीं सकते हैं। आपको समझना होगा यही इस देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा है कि आज जब धर्म के नाम पर, आज जब देश के अंदर महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को मारने वाले लोगों को जब हम जस्टिफाई करने लगेंगे और उनके जो लोग इस देश में काबिज हैं, उस पर मत जाइए संजय जी। आप ये बताइए पंजाब में जिस तरीके से पहले कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब सिद्धू भी चले गए, अब यहाँ पर दिल्ली में आप क्या कन्हैया को लाना पड़ रहा है, पार्टी में चल क्या रहा है ये बताइए। ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट होता नहीं दिख रहा है, सब नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। अब बताइए कैप्टन साहब का जाना और कन्हैया का आना कैसे पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल प्रभात जी मैं आप पर आ रहा हूँ, बिल्कुल एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ जी, बताइए संजय जी। जी कैप्टन साहब का जाना कन्हैया का आना पार्टी के लिए कैसे ठीक है। जरूर पंजाब में हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस कठिन दौर के अंदर पार्टी की परीक्षा का समय है। पार्टी नेतृत्व और पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ वहां दलित को मुख्यमंत्री बनाया है और जरूर इसका भविष्य अच्छा होगा, मगर अभी जो समस्याएं हैं जरूर कठिन दौर है, इस कठिन दौर से हम लड़ेंगे भी और बाहर भी आएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जिस तरह से जिग्नेश जी ने अपना समर्थन दिया है, जिस तरह से कन्हैया जी ने पार्टी ज्वाइन की है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। युवा अगर देश का आगे आकर के बात करना चाहता है देश के बारे में, कांग्रेस से जुड़ना, तो कांग्रेस के अंदर सभी तरह के लोगों का एक संगम है, इसके अंदर किसी जाति पाति का या किसी चीज से हम संगम है तो क्या हर कोई डुबकी लगा लेगा, हमारा संगम है तो हर कोई डुबकी लगा लेगा। नहीं देखिए कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस, चाहे हमने जिस समय पर देश को आजादी दिलाई हो तब भी हर तरह की विचारधारा थी, और मैं तो स्वागत करना चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों का जिनका एक इतिहास के बिना डरे आज इस बात जो देश के सामने समस्याएं हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना छोटी बात नहीं है। उसके अंदर उस समय के अंदर अगर इस दौर के अंदर अगर कोई अपनी आवाज उठाता तो मैं तो उसे बहुत सारी ताकतवर और मजबूत युवा मानता हूं और उनका कांग्रेस में स्वागत करना चाहता हूं खुले मन से, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा उनका स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है आप चाहे वो देश के खिलाफ ही खड़े हो, चाहे वो देश के खिलाफ नारेबाजी करें तो भी कांग्रेस में खड़े हुएंगे। नेहा जी गौर से के लोगों को पूछने का अधिकार नहीं है। अरे शादी प्रज्ञा के लोगों को पूछने का आप ये बताइए संजय जी आप ये बताइए और वो बिल्कुल क्लीन चिट होके बाहर आई है। आप ये नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि आपने साध्वी प्रज्ञा का नाम ऐसे कैसे ले दिया। एक माननीय सांसद को आप यहाँ पे कटघरे में खड़े कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई करें जो कन्हैया कुमार जैसे लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो और देश के अंदर बम बना करके चार जन के ऊपर उसको किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। समझ आती है कि कांग्रेस पार्टी का और किन लोगों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ खड़े हैं। नेहा जी रुकिए नेहा जी आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, नेहा जी आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, नेहा जी रुकिए, नेहा जी मैं आप पर आ रहा हूँ, आप पर आने का वेट तो करिए। इस इंसान को क्यों इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दी ये बता दें, बस इतना बता दें। ये बार बार गोडसे बजा रहे, पहले अभी जो प्रेजेंट गोडसे आप आधे घंटे से यही बोल रही है, उनकी पार्टी को किसी को भी रखे क्यों ले रही है, तो जवाब तो दिया नहीं है ना, जवाब तो दिया ही नहीं। आप ये क्या बात, आप अपनी पार्टी का पक्ष आप रुकिए ना, आप रुकिए, आप तो जनरल को भी रख ले अपनी पार्टी में, फिर तो जनरल बाजवा को भी रख लेना, जनरल बाजवा को भी रख ले अपनी पार्टी में, नहीं आपकी पार्टी में जनरल बाजवा भी, इमरान खान तो आपका दोस्त है, इमरान खान तो आपका दोस्त है, रामजादे कहते हैं वो भी आपकी पार्टी में है।
इमरान खान तो वैसे ही आपका दोस्त है, इसलिए आप लोग जो है ना देश को गुमराह कर रहे हैं, ये रीजन है कि आप सिमट गए हैं। क्या कर रहे हैं नेहा जी, आप क्या कर रहे हैं? खत्म हो चुकी है, अब आप आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रख रहे हैं। नेहा जी आप क्या कर रही है, नेहा जी आप क्या कर रही है, आप बोलती जा रही है नॉन स्टॉप, आप बोल ही रही है तब। मैं तो कुछ नहीं कर रही। अरे बोल रही है आप तब से, नॉन स्टॉप बोल रही है, आप क्या कर रही है? लेकिन आपको मेरा बिल्कुल फर्ज बनता है कि ये नॉन स्टॉप कमाल की बात है। आप पीछे अपना रिवाइंड करके देख लीजिए कि आपको पता लग जाएगा कौन नॉन स्टॉप बोला है और कौन नहीं। और मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऑपोजिशन पार्टी जो सामने है उससे पूछूं कि कन्हैया कुमार जैसे जो देशद्रोही हैं उनको अपनी पार्टी में जगह क्यों दे रहे हैं। जो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसको 1947 की आजादी में नाम आता है कि 1947 की आजादी में इनका भी हाथ था, अगर इनका हाथ था तो आज ये इन लोगों से कैसे हाथ मिला रहे हैं जो देशद्रोही है। फिर तो कल को ये पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लेंगे और कहेंगे उनकी जरूरत थी, हमारी पार्टी को युवा थे इसलिए हमने रख लिया। अरे किसी भी युवा को रख लोगे? आतंकवादी सारे युवा होते हैं, सारों को रख लोगे क्या अपनी पार्टी में? आप गाइडबुक रट्टा मार के बैठी हैं तब से। बस मुझे इतना ही कहना था और नमस्कार, इस बात का जवाब मिल जाए तो बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी से ही बात करते हैं। तो संजय गुप्ता जी, ठीक है चली गई नेहा जी, तब से आई तब से नॉन स्टॉप उन्होंने अपनी बातें जारी रखी, सब कुछ बोलती रहीं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक चर्चा करना चाहूँगा। वन टू वन रखिए आप मेरे को, मुझको और संजय जी को रखिए, ठीक है? तो संजय जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि पार्टी कहीं ना कहीं फंसती सी जा रही है, क्योंकि देश के सामने ये मैसेज जा रहा है कि एक तरफ कैप्टन बाहर जा रहे हैं और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, और दूसरी तरफ कन्हैया जैसे लोग, आप उन पर कुछ भी कह दीजिए, सिर्फ आरोप है, दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप तो है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी का कितना नुकसान होता जा रहा है, पार्टी किस जगह पर आकर खड़ी हो गई है, कि आपसे धीरे धीरे लोग हटते चले जा रहे हैं और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आपको अपनी पार्टी में रखना पड़ रहा है, और वो पार्टी में आने पर वो खुद बैठ कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है, मतलब वो मानते हैं कि कांग्रेस डूब रही है जिसको बचाना है, बताइए। देखिए आपने जो चिंतन किया, मैं उसके लिए सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहता हूं आपको कि कम से कम आप इस देश के अंदर ऐसा पत्रकारिता भी जीवित है कि जब भी सभी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं खुले मन से। मैंने इस बात को स्वीकारा कि जरूर पंजाब के अंदर कांग्रेस एक कठिन दौर से गुजर रही है, ये हमें मानना पड़ेगा, मगर अमरिंदर साहब हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, बहुत जीवन भर उन्होंने कांग्रेस को दिया है, उनका बड़ा सम्मान है, मान सम्मान है। ये कौन सा सम्मान आपने दिया है, कौन सा सम्मान दिया है कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया? कैसा सम्मान देते थे आप? नहीं देखिए सुनिए, इस्तीफे की विषय तो ये है कि देखिए कि कोई आदमी के लिए हम तय नहीं कर सकते कि ताउम्र वो कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री रहेगा, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंदर। मैं तो बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक दलित व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को आज पंजाब की बागडोर सौंपी गई है, इसमें तो तारीफ का प्रश्न है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जरूर अमरिंदर सिंह जी के लिए भी हम बड़ा मान सम्मान हमारे मन में है और वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, ये कौन सा मान सम्मान है जिसको उनको मैं चाटे की मिठा ले, क्या करें इस मान सम्मान का, कि जहां पर आप सीएलपी के वो नेता है, वो लीडर है, लेकिन आप उनको नहीं बताते, बाकी विधायकों को दिल्ली बुला के बात कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं आप, उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, ये कौन सा मान सम्मान है? मैं खुले मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि जरूर इसमें कोई कमियां जरूर रही होंगी और उन कमियों का बैठ के पार्टी तय करेगी, उसको दूर करेगी और उसका जो नाराजगी है उसको भी दूर करने का प्रयास होगा। कैप्टन साहब बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, वो किसी पद के मोहताज नहीं है, केवल मुख्यमंत्री पद उनके लिए इसके लिए मोहताज नहीं है, मगर जरूर उसके अंदर कहीं कोई कमी ऐसा लगता है कि देखने से कि जरूर महसूस हो रहा है। और सभी तमाम कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में उनका इज्जत भी है, सम्मान भी है, और उन्होंने जो कांग्रेस को दिया उसके लिए हम उनके बहुत उसको हम मानते भी हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है, हमारे नेता हैं, घर की बात है, उसमें की जो कमी आई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। कठिन दौर से हम पंजाब में गुजर रहे हैं, ये मानने वाली बात है, आपके आरोप को मैं जरूर मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि जहां राष्ट्रभक्ति की परिभाषा से किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाए, मैं समझता हूं किसी युवा नेता के लिए इस तरह की चर्चा शायद मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि इस कठिन दौर में, कठिन दौर क्यों कह रहा हूं कि जहां पर आप अगर देखें गोधरा कांड करने वाले लोग हैं इस देश के अंदर, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे एक दूसरे को कट्टरता फैलाने वाले, क्लीन चिट मिली है उनको, क्लीन चिट मिली है उन पर, क्लीन चिट मिली है,
सर मैं तो यहाँ पर तो आरोपी हैं, अभी भी आरोपी हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है इनको, आपने पार्टी में रखा है। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तड़ी पार के विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ एक सोच है और सोच का आपने नतीजा देखा ना, अभी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के यदि हम गौडसे का महिमा मंडन करने जाएंगे तो मैं समझता हूँ ऐसी चर्चाओं के अंदर जरूर हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन संजय जी ये बताइए, मैं आपका आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। नहीं नहीं संजय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समझना पड़ेगा जी। संजय जी ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ जी जी, जिग्नेश मेवानी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनसे आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी या जिग्नेश मेवानी को मजबूती मिलेगी, किसकी मजबूती के लिए काम हुआ है? पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। हर एक वो कार्यकर्ता जो जो दलित समाज से आता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था मेरे लिए सबसे पहले इस देश के अंदर वो व्यक्ति है जो आखिरी व्यक्ति है, हरिजन के लिए कहा था। ठीक है, और अगर किसी हरिजन में पार्टी की स्वागत करेंगे। ठीक है, जिग्नेश मेवानी ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो सपना है, जो लोकतंत्र का जो संविधान, जो उसको मजबूती देना, उसको बचाने की जरूरत है। आपकी पार्टी से कैसे बचाएंगे? आपने तो सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई थी, आपने इमरजेंसी लागू कर दी थी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा आप जिस विषय पे जाना चाहते हैं, मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश के अंदर संविधान सभा के अध्यक्ष हुए और संविधान बनाने का काम सौंपा गया तो वो कांग्रेस की सरकार थी। और मैं उसके अंदर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत बेहतरीन एक संविधान पूरे देश को दिया, पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी संविधान की अच्छी चीज, जिस संविधान के ऊपर ही देश चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब का अपना एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व और कांग्रेस के लिए हमेशा आदरणीय रहे हैं। आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है अब उसको बचाने की जरूरत है, वो खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो ऐसे में वो उस पार्टी में शामिल होकर कैसे बचाएंगे जिसने उस संविधान की सबसे ज्यादा, उसने संविधान को तोड़ा है, इमरजेंसी लागू की है। तो आपकी पार्टी में तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में आकर ये आपके सामने मंच पर बैठकर ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं? जी देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए वैसे तो जो जिग्नेश जी ने कहा है अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जो बात आप करना चाहते हैं इमरजेंसीज की या बात करना चाहते हैं कि नहीं, एक उन दो विषयों की, हर देखिए कांग्रेस ने 60 इस देश में 70 साल में से 60 साल राज किया, आसान नहीं होता है। उन समय समय पर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, समय समय पर अलग अलग विषय होते हैं, उन विषयों के ऊपर जाकर के कौन से समय पर आज मैं चर्चा करूं कि वो सार्थक था कि निरर्थक था, इससे मैं समझता हूं मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता हूं, मगर मैं जरूर ये कहूंगा कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कांग्रेस की भूमिका रही है। हम क्यों भूल जाते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यही कांग्रेस थी जिसके नेतृत्व में उन्हीं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, ये छोटी बात नहीं थी। और जो जो जिस समय पर विश्व युद्ध हुआ, हर किसी के पास अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। नहीं आप बहुत बेहतर जानते हैं उस एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से मिला क्या, उनके ड्रोन तक तो हमारे अंदर घुसाते हैं, जम्मू के बेस कैंप पर आ जाते हैं। मैं इस पे चर्चा करके किसी भी तरीके से आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं 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 सवाल नहीं नहीं, कांग्रेस ये कहना चाहती है बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्या मिला? नहीं एक सेकंड, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक से क्या मिला? मेरा प्रश्न देश के आप समझते भी है जरूर है, देश के सैनिक से नहीं है, स्ट्राइक से हमारे देश को क्या मिला? आप कांग्रेस ये कहना चाहती है कि क्या मिला? आप सुन तो लीजिए मेरा जवाब जी, मैं देश के सैनिक पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मगर देश के उन शासकों से जिन्होंने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, जिन्होंने कहा था कि हम ये आपकी पॉलिटिकल विल होती आप भी हमला करते, बलूचिस्तान आपकी पॉलिटिकल विल होती आप भी हमला करते, मुंबई अटैक्स जो हुए उसके बाद आप भी हमला कर सकते थे, आपने नहीं किया, पॉलिटिकल विल नहीं सर, थी। सर मत जाइए, छोड़िए उसको जी, ठीक है छोड़ते नहीं, नहीं आप ही आप ही नहीं चर्चा की, कारगिल के विषय पे अगर मैं बात करूं, हम कारगिल शौर्य दिवस मनाते हैं जी, हमारे देश में कोई अंदर घुसिया है कब्जा करने के लिए लोग, आज हमने उनसे खाली कराया तो हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस ने इस तरह का काम नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत से देश हित के काम किए हैं और इस देश के अंदर बहुत सी संस्थाओं को, देश के अंदर बहुत निर्माण, कहां से लेके जहां एक सुई नहीं बनती थी आज हमारे देश के अंदर जहाज बनता है, रॉकेट हमने बनाया इसी बीजेपी की सरकार के आने से पहले। तो मैं ये बताना चाहता हूँ राजीव गांधी जी ने जहाज बनाया, राइट टू इन्फॉर्म, चलिए ये बताइए संजय जी ने बनाया, देश के देश के देश
तो क्या क्या मोदी जी ने वहां पे एयर स्ट्राइक किया बताइए, तो देख के देश के जवान ने किए। ठीक है, मैं आपसे दूसरी विनती करना चाहता हूं कि इस देश की बहुत सी उपलब्धियां हैं, केवल हम उसको संकुचित कर दें, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है संजय जी, ये बताइए आज जब मंच पर जिग्नेश मेवाणी जी का जिक्र कर दिया, अब आता हूं सीधे कन्हैया कुमार पर। कन्हैया कुमार कह रहे थे कि पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है। कैसे बचाना है, मतलब वो मान के बैठे हैं कि डूब चुकी है कांग्रेस? आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि आपका अपमान है, आपकी पार्टी का अपमान है कि उसी मंच? मैंने पहली दफा ये देखा है कि एक नेता जब ज्वाइन हो रहा है वो कह रहा है कि पार्टी को बचाना है, बचाना है, क्यों बचाना है, किससे बचाना है? वो मान के बैठे हैं कि पार्टी डूब चुकी है, खत्म है, इसलिए बचाना है। प्रभात जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप संजय जी आप जवाब दीजिए। जी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कन्हैया कुमार जी ने कहीं ये नहीं कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है उसको बचाना है, उन्होंने ये कहा कांग्रेस को बचाना है किन लोगों से, जिनकी आइडियोलॉजी के अंदर लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, जो मजबूती से आगे आके काम करना नहीं चाहते हैं, जरूर ये मानना पड़ेगा। तो वो मानते हैं ना कि आपको बचाने की जरूरत है, वो आएंगे तब बचा पाएंगे, राहुल गांधी में क्षमता नहीं है क्या बचाने की? ये तो मानना पड़ेगा। देखिए आप सुनिए कि जब अभी हमारी 300 या 400, आप ये बताइए, बस आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए संजय जी, कन्हैया कुमार ने जो कहा है वो राहुल गांधी का अपमान नहीं है सीधे तौर पर? आप कह रहे हैं कि उन्हें बचाना है, उन्होंने कहा है, राहुल गांधी को सक्षम नहीं मानते, वो खुद राहुल गांधी नहीं बचा सकते, कतई नहीं, नहीं बचा सकते, ये परिपेक्ष्य ठीक नहीं है, ये परिपेक्ष्य ठीक नहीं है। मैं नहीं, नहीं मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आपने कहा, मैंने पूछा, कन्हैया कुमार ने कहा बचाना है, बचाना है कांग्रेस को, बचाना है, मैंने आपसे पूछा क्यों कहा, तो आपने कहा इसलिए कहा क्योंकि उनसे बचाना है, बीजेपी से बचाना है, आप इस तरीके से बात कर रहे थे, तो क्या राहुल गांधी नहीं बचा सकते? कन्हैया कुमार आके बचाएंगे, कांग्रेस के विधन भी कमजोर लोग हैं, कन्हैया कुमार आके बचाएंगे, राहुल गांधी में क्षमता नहीं, आप भी मानते हैं इस बात को? नहीं गलत है, राहुल गांधी जी गलत है, किसकी, कन्हैया कुमार की बात गलत है? नहीं, राहुल गांधी जी के विषय पे जो आप कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी वो ताकत है जिन्होंने इस देश के अंदर पंजाब जैसे राज्य के अंदर दलित को मुख्यमंत्री बनाया तो है। फिर वही तो सवाल है, वही सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी एक नहीं बना पाई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई, तो फिर ठीक है, तो फिर वाम दल का एक नेता आके आपके मंच पर आपकी सदस्यता ग्रहण करके क्यों कह रहा है कि बचाना है, मैं बचाऊंगा, बचाना है? देखिए ये सिर्फ बात को समझने के परिप्रेक्ष्य की बात है, मगर इस तरह से जिस तरह से आप चर्चा करना चाहते हैं ये उनका परिप्रेक्ष्य नहीं रहा। मैं उनसे मैं आपसे बता रहा हूं कि जब हम चुनाव के अंदर या हमारी संख्या बल में यदि हम कम होते हैं तो जरूर ये चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से ताकतवर करें, ताकतवर बनने के लिए हमें अपने आप को बचाना है। प्रभात जी बस 2 मिनट और लूंगा, फिर आप ही पर आ रहा हूं। संजय जी ये देख एक बात बताता हूं, आपने भी अपने करियर में और मैंने भी अपने पत्रकारिता के 10 साल के करियर में एक चीज देखी है कि कोई भी अगर पार्टी की सदस्यता लेता है नेता तो वो कहता है कि मैं यहां आया हूं पार्टी को और मजबूत करूंगा। पहली बार मैंने देखा है कि कन्हैया कुमार आके कहते हैं कि बचाना है, कांग्रेस को बचाना है। अब इस पर जवाब दीजिए बिल्कुल सीधा, कॉन्टेक्स्ट क्या था, मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए। देखिए मैं तो वही कहना चाहता हूं कि उनका कोई नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं रहा, मगर जरूर यह है कि जो आप शब्द को पकड़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि उससे बेहतर शब्द हो सकता था कि वो कहते थे मजबूत करना चाहिए, करना चाहता हूं, ये कहते तो ज्यादा बेहतर होता। आप मानते हैं गलत बोला, आप मानते हैं ना गलत बोला? नहीं गलत नहीं, मैं मेरा देखिए मैं इस तरीके से मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने गलत बोला है। आप मानते हैं कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इतना सामर्थ्य नहीं समझते राहुल गांधी में कि वो पार्टी को बचा सके? नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी का तो उन्होंने तारीफ करी है अपने वक्तव्य में, उन्होंने बताया है कि मैं राहुल जी से मिलकर आया हूं, उनसे मैंने चर्चा की है और उन सारे विषयों पे बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि इस तरीके से हमें काम करना है। और देश के अंदर जिन लोगों ने उन्होंने बताया कि 1942 से पहले जो देश में पेंशन लेते थे अंग्रेजी हुकूमत से, आज सत्ता के अंदर है, बहुत ही अच्छी चर्चा उन्होंने की है। चलिए ठीक है, आप सोचते हैं कि कन्हैया कुमार आए हैं तो पार्टी को वो बचा पाएंगे? जरूर नहीं बचा नहीं पाएंगे, मजबूत करेंगे, ताकत देंगे और पार्टी को जरूर से ऐसे नौजवानों से शक्ति मिलेगी, मैं महसूस करता हूं। संजय जी उन्होंने कहा है कि पार्टी को बचाना है, तो मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि वो पार्टी को बचा पाएंगे? मैंने आपसे कहा मजबूत जरूर करेंगे, नहीं बचाने की तो विषय ये होता है क्या, उन्होंने कहा बचाना है, आप मानते हैं कि वो बचा पाएंगे? देखिए तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसका आप उनसे ही पूछें
अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। आप कांग्रेस पार्टी के, आप कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वो कह रहे हैं बचाना है, वो बचा पाएंगे? नहीं, जरूर मजबूत करेंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट, नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा उनके आने से मजबूत हो गई पार्टी, जरूर ऐसी ताकतों से जो देश के अंदर धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, जरूर ऐसी ताकतों से जो देश के अंदर गौडसे के उपासक हैं, उनसे जरूर बचाना है इस देश को। ये बात बिल्कुल ठीक है, कन्हैया कुमार बचा, कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस को बचा पाएंगे, बिल्कुल बचा पाएंगे। राहुल गांधी नहीं बचा पा रहे थे, मेरा यही तो सवाल है, राहुल गांधी नहीं जरूर बचा रहे हैं? राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं उसमें वो मदद करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो हमारी अच्छा बचाने में मदद करेंगे, संयुक्त रूप से मदद करेंगे बचाने में पार्टी को? नहीं 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 नहीं, वो हमें हमेशा हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, और राहुल जी जो बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, काफी माफी चाहूंगा प्रभात त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले तो बढ़ाएंगे। ठीक है प्रभात त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहूंगा, काफी समय लग गया आप पर, नहीं आ पाया, टेक्निकल फॉल्ट था कुछ वजह से, इसलिए आपका पहले भी कनेक्शन जो था बार बार कट रहा था। हालांकि अब आप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात जी, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस देश में इतने साल सत्ता में विराजमान रही, लेकिन आज दिन दशा बिगड़ गए हैं, क्या उनके तारे खराब हो गए हैं, क्या कुछ हो रहा है कि एक तरफ कैप्टन साहब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी का इतना मजबूत नेता पार्टी को छोड़कर जा रहा है, और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जिस पार्टी में कल तक थे, जिसकी गिनतियों में गिने जा सकते हैं जिसके लोग, उस पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस में इतना सम्मान करके उनको लिया जाता है, कांग्रेस को आप कहां देखते हैं, आज की कांग्रेस को? देखिए आप थोड़ा सा मेरी बात को, मैं पूरी बात मेरी आ जाने दीजिएगा, बिल्कुल बोलिए। मैं लगभग 40 मिनट से सारनी जी को सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता को, मैं कहता हूं इस देश के पत्रकारों को हो क्या गया आज की तारीख में? कन्हैया कुमार ने वो संदेश दे दिया है, 2-5 मिनट के लाइव टेलीकास्ट में पूरे देश में संदेश चला गया है कन्हैया कुमार ने कि इस देश के अंदर अगर विपक्ष की कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आप लोग इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कीजिए इसका, मीडिया, मोदी मीडिया क्यों पीछे पड़ी है कांग्रेस के? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के कन्हैया कुमार को आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहें, कुछ भी कहें, मेरी समीक्षा 30 साल पत्रकारिता के हो गए हैं। आज एक उस लड़के ने एक प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़े होकर पूरे देश को जवाब दिया है। आज 2 विचारधारा खींच दी उस लड़के ने, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए थे, और राहुल गांधी को ऐसे लड़कों की जरूरत है। अगर कांग्रेस, जब राहुल गांधी नहीं कर पाए, जब राहुल, प्रभात त्रिपाठी साहब, जब राहुल गांधी नहीं कर पाए तो मतलब कन्हैया कुमार कर लेंगे? यार आप अजीब बात कर रहे हैं, नहीं देखिए प्लीज, आप मुझे जोड़े या ना जोड़े, आपने बोला राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो कन्हैया कुमार कर रहे हैं, मतलब कन्हैया कुमार कर लेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार क्या करें, अमेठी से चुनाव लड़वा दे, आज उन्होंने कन्हैया कुमार को अमेठी से चुनाव लड़वा दे, नहीं चुनाव छोड़िए आप मना करने का, आप उस लड़के की बात नहीं समझ पाए। उस लड़के ने 3 मिनट के लाइव टेलीकास्ट पे पूरे देश को जगा दिया कि उसी लड़के के एक वीडियो ने देश को जगाया था, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाया था। भाई आप टुकड़े, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हम वकालत करेंगे तो हम राष्ट्र सेवक होंगे, और अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। ये मीडिया का फर्क अलग होना चाहिए, नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, आज डिबेट सारे चैनल में क्या धर्म होना चाहिए मीडिया का? एक सेकंड प्रभात त्रिपाठी साहब, एक सेकंड प्रभात त्रिपाठी साहब, क्या धर्म होना चाहिए मीडिया? उसने एक बात, एक संदेश दिया है। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, उस व्यक्ति ने, कन्हैया ने, वो पार्टी में चाहे 10 दिन रहे, चाहे 50 दिन रहे, चाहे नहीं रहे पार्टी के अंदर, वो लेफ्ट से आप वामपंथी विचारधारा है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, आप उसको कुछ भी कहिए, लेकिन ये हकीकत है कि इस देश के अंदर 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उसने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि देश, देखिए आज सत्ता आपकी है, आप सबसे बड़ा सवाल ये है, राजनीतिक ग्राफ आपका ऊपर गया है, आप उस ग्राफ में कितने दिन ठहर पाएंगे? कांग्रेस 60 साल ठहरी है, 50 साल ठहरी है सत्ता के अंदर, आप 7 साल आपको हुए हैं। उस लड़के ने एक संदेश दिया है कि अगर, किसको दिया है संदेश? रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय पार्टियों को यह संदेश दिया है कि अगर मोदी से लड़ना है और भाजपा से लड़ना है तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना होगा, नंबर एक बात। और जितनी भी कन्हैया कुमार ने बात की है, आप लोग उसको किसी भी तरीके से लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में लीजिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि देश के अंदर जो विचारधारा, 2 विचारधारा
अभी नाथूराम गोडसे और गांधी जी और इन सबको लेकर कितनी डिबेट हुई, आपके यहाँ चिल्ला चुटनी मची हुई है। कांग्रेस आपकी भाजपा की प्रवक्ता क्या क्या बोल गई, देखिए उसने एक चीज एक्सपोज किया है भारतीय जनता पार्टी को और बहुत बड़ी तरीके से एक्सपोज किया है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई है, उसको उठा दिया गया, सुरजे उर्जे वाला टाइप के लोग उसको उठा दिया, क्योंकि कोई भी आदमी अपने से बड़ा नेता किसी को नहीं बनने देता है और यही कन्हैया कुमार के साथ होगा। राहुल गांधी ने फोन करके उठवाया था क्या? हो सकता है उठवाया हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसको अभी राजनीति का एबीसीडी सीखना है कि राजनीति में आप ये बताइए, आप ये बताइए आपको वो संदेश इतना अच्छा, इतना मधुर संदेश लगा, उसमें मधुरता के क्या क्या पॉइंट थे, तीन पॉइंट बताइए मुझे। मुझे जी आप ही से पूछ रहा हूं, आप मेरी बात कह रहे हैं जी, आप ही से कर रहा हूं मैं एक बात। देखिए तीन पॉइंट क्या थे, तीन पॉइंट मधुरता मुझे उसकी बात का, मैं उसके बात का प्रभाव या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कन्हैया कुमार से, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कन्हैया कुमार से। मैं नहीं नहीं गलत, आप गलत बात कर रहे हैं, आप मेरे सवाल पत्रकारिता में उठा रहे हैं, मुझे 35 साल पत्रकारिता। आप वहां से बैठ कर हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठा देंगे? नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिन कर दिया तो आप तिलमिला गए, यही तो समस्या है, आप तिलमिलाइए नहीं, जवाब दीजिए। नहीं मैं आपकी पत्रकारिता में नहीं, आपकी आपकी पत्रकारिता में सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप तो सवाल करेंगे इस तरीके का। मैं एक बात बड़ी शालीनता से कह रहा हूँ, इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रख रहा है तो हमें उसकी बात को सुनना पड़ेगा, नंबर एक बात। अगर वो अफजल के नारे लगाए थे मैं उसको कंडेम करता हूं, उसको विचारधारा बदलनी पड़ेगी अपनी, लेकिन उसने कांग्रेस के लिए जो बात कही, इस देश के अंदर दो पार्टी हैं इस समय, कांग्रेस और एक बात और अच्छी लगी मुझे कि लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर होना सत्ताधारी पार्टी का एक डिक्टेटरशिप देश के अंदर चलना, क्या आप इस चीज को नहीं मानते कि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा विपक्ष कमजोर हो गया तो ये भी सत्ता की गलती, ये भी सत्ता में बैठी सरकार की गलती, किसकी गलती नहीं। एक मिनट देखिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, हो सकता आप मेरे विचारों से मेरी बातों से इस समय मेरे पंजाब में कांग्रेस का जो हाल हुआ ये भी सत्ता सरकार की गलती। मैं फिर आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, ये पार्टी के सारे अंदर के मैटर है, क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हालचाल नहीं होते क्या? आप ही ने कहा कि विपक्ष कमजोर हो रहा है तो ये सरकार की गलती है, सरकार की गलती कैसे, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। पहले आप मेरी बात को रखने दीजिए मुझे ना, आप मेरी बात को, मैं आपके किसी बात रखे तो कैसे, मैं ये कह रहा हूं नहीं, मैं सिर पैर की बात रख रहा हूं, मैं अभी मोदी के गुणगाने लगूं सिर पैर की बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं कन्हैया जी के गुणगान करें, आप समझिए उसने कुछ, मैं कन्हैया के गुणगान करूंगा, मैं आपके गुणगान करूंगा, मैं कह रहा हूं कि जब मैंने उनकी कुछ बातों को आपके सामने विश्लेषण के रूप में रख रहा हूं तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके तरीके से चलूं। उन्होंने जो बातें कही है उसका विश्लेषण करने के लिए बाजू में ग्राफिक चल रहा है, आप क्यों विश्लेषण कर रहे हैं, ग्राफिक चल रहा है बाजू में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो ग्राफिक चल रहा है विश्लेषण नहीं करिए, ग्राफिक चल रहा है बाजू में, ग्राफिक में जो उन्होंने कहा है सब चल रहा है। अरे आप, अरे उन्होंने जो कहा उससे कोई मतलब नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे मतलब नहीं, आप कह रहे इतना अच्छा संदेश दे दिया, इतना अच्छा संदेश दे दिया, देश को जगा दिया, देश को जगा दिया, कैसे जाग गया देश, आपको लगता है उनके 5 मिनट का संदेश से देश जाग गया, देश ऐसे नहीं जागता है। अगर वो 5 मिनट का संदेश, 5 मिनट का लाइव संदेश उसने जो दिया है ना, अब आप इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी हो सकता कोई मजबूरी हो, प्रभात त्रिपाठी कोई मजबूरी नहीं है, प्रभात त्रिपाठी की, ठीक है प्रभात जी को जरा, ठीक है प्रभात जी से जरा, प्रभात जी रुकिए जरा, प्रभात जी आप काफी देर से काफी तिलमिलाए हुए, काफी गरम, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, आपको तिलमिलाए नहीं है, मैं आपके तिलमिला रहे डिबेट नहीं करूंगा, आप आपके नहीं, आप ठंडा पानी लीजिए, आप नर्वस क्यों रहे, ये बताइए आप नर्वस क्यों रहे, क्या है समस्या, क्या पसीना क्यों आ रहा है आपके, रुकिए मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, नहीं आप नर्वस मत होइए, देख गुस्सा मत करिए, आप आपका चेहरा गुस्सा मत होइए, गुस्सा मेरी बात, आप मेरे ऊपर शब्द डालेंगे, आप नेताओं के ऊपर डालिए शब्द, आप मेरे ऊपर शब्द अपने नहीं डाल सकते हैं, आप अगर आपको मेरे विशेषण, आप अगर मुझ पर सवाल उठाएंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपसे मैंने पूछा कांग्रेस की स्थिति आप कहां देखते हैं, आप कह रहे हैं कन्हैया का 5 मिनट का भाषण देखिए, मधुर भाषण देखिए, इतना सुंदर भाषण देखिए, अरे भैया ग्राफिक चल रहा है भाषण के लिए, आप सुनिए मेरी बात, चलिए ठीक है समय की कमी के कारण यही रोकूंगा, लेकिन एक संदेश के साथ मैं भी चला जाता हूं,
पांच मिनट का अगर कन्हैया जी ने संदेश दिया, एक मिनट का संदेश मेरा भी सुन लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं मेरा भी सुन लीजिए, बार बार यहां पर मैं डिबेट में एक चीज देखता हूं, इससे संयम टूट चुका है, ये बात कह देता हूं, बार बार अगर सवाल कर दो, अब कांग्रेस में अगर भीतरी कलह चल रही है, कांग्रेस की खबर है तो कांग्रेस से ही सवाल करूंगा, सीधे आके कोई भी कह देता है कि आपकी कोई मजबूरी है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया का मतलब मोदी मीडिया से मत जोड़िए, गोदी मीडिया का मतलब है गोद में बैठे लोग, गोद में जो मोदी जी की बैठा है वो भी गोदी मीडिया है, गोद में सुनिए, गोद में सुनिए, गोद में जो कांग्रेस की बैठा है वो भी गोदी मीडिया है, गोद में जो कन्हैया कुमार की बैठा है वो भी गोदी मीडिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक बात के साथ जाता हूं आज ये कहकर कि दर्शकों देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये जो स्थिति आज बनाई है इसको लेकर सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि अगर विपक्ष इसी तरीके से टूटता रहेगा, इसी तरीके से विपक्ष अगर बिखरता रहेगा तो यह लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में, आने वाले सालों में अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे दिल्ली में आज कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग हो, इसको लेकर एक सवाल उठता है कि क्या आप कांग्रेस के नेता अंदर ही अंदर मान चुके हैं कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिसको बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और एक मुद्दे पर, अन्य मुद्दे पर बहस की जाएगी और उसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दर्शकों डिबेट का मतलब महज बातें करना, चर्चा करना, सवाल करना नहीं होना चाहिए, यहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिबेट करना ज्यादा जरूरी है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करें, शुक्रिया।